नमस्ते है जी, मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज स्विच वर्ड्स की चर्चा कर रहे हैं। माँ, माँ शब्द से आप क्या फील कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, आप अपनी माता के गर्भ से आप जन्म लिए। जो प्रकृति माता आपको अपने गोद में बैठा कर रखी है, जो धरती माता है, प्रकृति माता है, देवी माता है, माँ को हम कई स्वरूपों में देखते हैं, या माँ में हम सारे स्वरूपों को देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माँ हमें क्या क्या देती है, दूर मत जाइए, अपने बचपन में चले जाइए। सबसे पहले माँ आपको सुरक्षा देती है, हर चीज से आपको बचाती है, आप माँ के गर्भ में ही सुरक्षित होते हैं। जन्म लेने के बाद वो आपको अपने गोद में सुरक्षित रखती है, उसके बाद वो आपको खाना खिलाती है, आपको आपका पोषण करती है, आपके जीवन में पोषण देती है, यानी कि आपको सुविधाएं देती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, वो आपको आपके जीवन में आपके रिश्तों से आपको जोड़ती है, बाकी रिश्तों को जोड़ती है, आपसे तो उनका रिश्ता है ही, बाकी सबसे आपके रिश्तों को सुगम बनाती है, रिश्तों को अच्छा बनाती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, वो आपको ज्ञान देती है संसार में, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे पीना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये दुनियादारी कैसी। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इस माता प्रकृति का एक छोटा सा स्वरूप जो हमारे घर पे हमें जन्म देने वाली माँ होती है, वो ये सारे काम हमारे लिए करती है। तो यही काम माता प्रकृति का भी है, यही चीज माता प्रकृति ही हमारे लिए कर रही है। ये जो आदिशक्ति देवी है हमारी, जो माँ है हमारी, हम सबकी, हमारे भी, हमारी माँ के भी, उनकी माँ के भी, जिनसे ही, जिनकी ही प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी माँ हमारे लिए ये करती है, क्योंकि ये उन्हीं का ही रूप है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे देवी माता के स्विच वर्ड, जिसे हम अपने यौगिक भाषा में बीज मंत्र कहते हैं, का इस्तेमाल करके हमारे जीवन में सुरक्षा, धन संपत्ति, संसाधन, ज्ञान और रिश्तों को लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में खुशियों को लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा। तो हम सुरक्षा के लिए, हम इंसान है ना, हमारी छोटी सी अकल को समझदारी के लिए, समझने के लिए हम कोई एक स्वरूप को मानते हैं, एक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, स्वरूप को देखते हैं। तो शक्ति से भरी हुई सुरक्षा की देवी जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, देवी काली माता, माता काली, जिसको देख करके हमें आभास होता है कि ये हमें हर चीज से बचा लेगी, नजर से, जादू से, टोने से, ब्लैक मैजिक से, इस संसार की क्रूरता से, हमारे अपने तकलीफों से, हमारे जीवन में जो हमारे अंदर जो खुद से जो जंग है, खुद से जो लड़ाई है, उससे हमें बचाने के लिए माँ काली हमें शक्ति देती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो माँ काली का ये बीज मंत्र सुन लीजिए और जान लीजिए, बहुत बार सुना होगा लेकिन आज आप इसे इस तरीके से समझ रहे हैं, तो अब आप इसका प्रयोग भी करेंगे अपने जीवन में, ना केवल अपने लिए अपितु अपनों के लिए। बींग अ हीलर ये आपके बहुत काम आएगा। तो माता काली का ये बीज मंत्र है, क्लीन क्लीन क्लीन। इसे जब भी आप इंचेंट करेंगे ऐसे ही करेंगे, चाहे 11 करें, 21 करें, 51 करें या 108 करें, ये मंत्र, ये बीज मंत्र इतना शक्तिशाली है, किसी सही तरीके से अगर आप इंचेंट करेंगे तो आपके लिए 11 बार कर पाना ही मुश्किल है, क्योंकि गहरी सांस भरकर एक ही बार हम इसे बोलते हैं सांस छोड़ते हुए, क्ली तो देखा आपने, गहरी सांस खींचकर पूरे सांस को छोड़ते हुए एक बार, और आप देखेंगे कि ये मंत्र आपके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्धा, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र तक एक वाइब्रेशन पैदा करेगा तीसरे बार से। पहली बार में आप अनकंफर्टेबल होंगे, दूसरी बार में आप एक झंझनाहट फील करेंगे, और तीसरी बार में आपको समझ में आएगा कि वो सारी ऊर्जा कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो ये है माता काली का बीज मंत्र क्लीम, जो सुरक्षा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। कभी भी शक्ति विहीन महसूस कर रहे हो अपने आप को, इस मंत्र को जाप करें। आस्था और श्रद्धा जरूरी है, तो इसलिए अगर बिल्कुल भी आप नहीं जानते कौन है ये देवी, कैसे हैं ये देवी, क्या है ये देवी, तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें, सीख लें, पढ़ लें, थोड़ा रिसर्च कर लें, आपको समझ में आएगा। क्योंकि डिवाइन से जुड़ने के लिए डिवाइन को जानना जरूरी है, डिवाइन को मानने के लिए उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि हम इंसान है ना, बुद्धि छोटी है। 23-24 साल, 30-35 साल की तो उम्र है हमारी, और इंसानी सभ्यता भी कुछ हजार सालों की ही है। तो ये डिवाइन, ये दैवी शक्ति लाखों करोड़ों अरबों समय के प्रारंभ से है, तो कितने रूप बदले होंगे इन्होंने, हम कितने रूपों में इन्हें देख चुके हैं, कितने रूपों में इन्हें पहचान चुके हैं। तो शक्ति के लिए देवी काली, और अब आते हैं ज्ञान के लिए, क्योंकि अब ज्ञान चाहिए है ना, किस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है। एग्जाम्स दिलाने हैं हमें, परीक्षाएं दिलाने हैं हमें, रिश्तों में परीक्षा दिलाना है हमें, हाँ कई कई कसौटियों में खरे उतरना है हमें। हमें इस संसार में लोग चाहिए, हमें संसार में मान सम्मान चाहिए, ना जाने कितनी कसौटी होती है जिनमें खरा उतरना है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे किसी एक इंसान के अंदर अपने प्रेम को साबित करना हो। कभी कभी अग्नि परीक्षा देनी होती है हमें, कभी कभी अपने आप को कुछ चीज़ साबित करना होता है हमें, तो उस समय हमें माँ का यह स्वरूप याद करना चाहिए, जिसे हम माता सरस्वती कहते हैं, जिन्हें हम माता सरस्वती के रूप में जानते हैं, पूजते हैं। तो जब भी परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हो, जब भी परीक्षा प्राप्त कर रहे हो, जब भी परीक्षा को प्राप्त हो रहे हो, तो माता सरस्वती का ये बीज मंत्र जाप लेना। बीज मंत्र है जैसा कि आपको मैंने बताया, ज्यादा नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि जब भी हम इस तरह से कोई इंचेंटमेंट करते हैं तो हम हाई हो जाते हैं, फिर कुछ और बोलने योग्य नहीं रह जाते है ना। तो बिल्कुल वही तरीका, गहरी सांस खींचकर एक ही बार में सांस छोड़ते हुए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, इस बीज मंत्र को, इस स्विच वर्ड को जपेंगे। कोई भी नाम से पुकार लो, मतलब वही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जीवन में हमारी माँ हमें और क्या देती है, संबंध, रिश्ते, नाते, अपने पिता से संबंध, अपने भाई बहनों से संबंध, अपने परिवार वालों से संबंध, अपने मोहल्ले वालों से संबंध, अपने ऑफिस वालों से, अपने स्कूल कॉलेज वालों से, और फिर एक समय आता है जब हमारे अपने रिश्ते बनते हैं, पति पत्नी, दोस्त मित्र, जो हमारे ब्लड रिलेटिव नहीं होते, जो हमें बचपन से नहीं मिले होते, वो बाद में हमारे जीवन में आते हैं। तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है रिश्तों में, रिलेशनशिप में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, तब हमें जरूरत पड़ती है माता पार्वती का ये बीज मंत्र की। माता पार्वती और भगवान शिव, ये दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों की ही कृपा, इन दोनों की ही जोड़ी, इन दोनों के बीच के ये संबंध हमें आदि अनादिकाल से
पुराणों से सुनने को समझने को मिले हैं, जो बेहद खूबसूरत रहा है हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं, जब भी हम माता पार्वती का, माता काली पार्वती माता का ही रूप है, लेकिन वो उनका उग्र प्रोटेक्टिव शक्ति से भरा हुआ रूप है, लेकिन माता पार्वती सौंदर्य से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेम करुणा से भरा हुआ रूप है। तो जब हम सौम्य स्वरूप के बीज मंत्र को इंचेंट करेंगे, स्विच वर्ड को इंचेंट करेंगे, तो हमारे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, हमारे नाते अच्छे होने लग जाएंगे, हमारे अपने पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे होने लग जाएंगे, नए संबंधों को हम जोड़ पाएंगे, नए संबंधों को बुला पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में कोई ऐसा साथी चाहिए जो आप कैसा साथी चाहते हैं, उसे आप बुलाना चाहते हैं, तो उस साथी की कल्पना करके, बस ये कल्पना करके आप माता पार्वती का यह ब्रीज मंत्र इंचैंट करेंगे। कुछ वर्ड है स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर। इसको आप गहरी सांस खींचकर, एक बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये गहरी सांस खींचेंगे और जितने बार बोल सकते हैं उतने बार बोलेंगे, जैसे कि स्वयंवर, 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 स्वयंवर। 108 की माला आप जप लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये बीज मंत्र की तरह बहुत ज़्यादा ऊर्जा खींचने वाला नहीं है, ऊर्जा को आपके अंदर घुमाने वाला नहीं है, ये सुंदर है, सहज है, जैसा कि मैंने बताया, सौम्य स्वरूप, देवी का सौम्य स्वरूप है ये। तो रिश्तों के लिए, चाहे कैसे भी रिश्ते हो, स्वयंवर का मतलब ये नहीं, अपना वर्ड चुनने वाला वर्ड, वर्ड का मतलब भी मत जाना, ये स्विच वर्ड है जो आपको, आपके रिश्तों को सुंदर बनाता है। अब हम आते हैं जीवन में माँ हमें और क्या देती है, सुख समृद्धि, धन संपत्ति, संसाधन हमारे लिए प्रोवाइड करती है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करती है ना, तो हमारी माँ हमारे लिए ये व्यवस्था करती है, तो प्रकृति माता हमें ये सारी चीजें देती है। तो इसके लिए देवी का हम स्वरूप जो हम पहचानते हैं, वो स्वरूप है माँ आदिशक्ति लक्ष्मी। माता लक्ष्मी पर हम एक बार और चर्चा कर चुके हैं, श्री बृजी मंत्र का हम इंचेंटमेंट कर चुके हैं और बहुत लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो है श्रीम। आप केवल श्रीम का उच्चारण अगर करते हैं, जैसे कि मैंने बाकी दो बीज मंत्रों को समझाया, क्लीम और एम, तो वैसे ही श्रीम को भी आप वैसे उच्चारण करेंगे, श्रीम ब्रिजी करने से वो क्लियर है कि आपको जीवन में पैसा ही चाहिए, धन ही चाहिए, लेकिन श्रीम का उच्चारण करने से आपके जीवन में श्री की प्राप्ति होती है। श्री मतलब अष्टलक्ष्मी और नवनिधि, पकड़ में आई बात? अष्टलक्ष्मी मतलब जिसमें संतान लक्ष्मी भी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी भी है, आदि लक्ष्मी भी है, गज लक्ष्मी भी है, वीर लक्ष्मी भी, धन लक्ष्मी भी है, धान्य लक्ष्मी भी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी भी है। तो श्रीम मंत्र का प्रयोग जब आप करेंगे, जब इस बीज मंत्र को ये करेंगे, तो धीरे से ही सही, लेकिन सारी आठ और लक्ष्मी और नवनिधि आपके लिए जागृत होने शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अभी करोगे तो शाम को सब मिल जाएगा। कुछ समय, जैसे कि 3 महीने में 1 लाख मंत्र का जाप हम पूरा करते हैं, तो हमारे जीवन में श्री की प्राप्ति हमें शुरू हो जाती है। लेकिन अगर 1 लाख पूरा नहीं भी होता है, तो आप 3 महीने का अभ्यास करके देखिए, शानदार रिजल्ट मिलते हैं, बहुत वैदिक मंत्रा है ये। और इसके साथ, ये तो सच कहूं तो ये बाय प्रोडक्ट है श्री की, जीवन में श्री की प्राप्ति, अष्ट लक्ष्मी और नवनिधि की प्राप्ति, जो मैं कह रहा हूं ये बाय प्रोडक्ट है, जो यूं ही मिल जाना है,
आपको तुरंत ही असीम शांति का अनुभव होता है, तुरंत ही अपने अंदर शक्ति का अनुभव होता है, सामर्थ्य का अनुभव होता है, जीवन में जो चीज़ चाहते हैं उसे कर गुजरने की जो क्षमता होती है उसका अनुभव होता है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि आप जो मांग रहे हैं उसे प्राप्त करने की का जो अपने अंदर एक पात्रता डेवलप हो जाती है, खुद को डिजर्विंग फील कर पाते हो कि आप कोई चीज़ को डिजर्व करते हो, आप जो मांग रहे हो उसे आप डिजर्व करते हो, ये आपके अंदर पात्रता आनी शुरू हो जाती है। और ये आभास अद्वितीय है, ये बहुत अलग है। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूं, ये गुरुओं ने तो बहुत पहले सिखाया था लेकिन अभी इसे अनुभव किया है इसलिए मैं बता पा रहा हूं। जैसे कि आप सबको पता है, अभी कुछ समय से मैं ऋषिकेश में था और काफी समय से योग और प्राणायाम का अभ्यास करके मैं वहां से आया हूँ। तो ये सारे अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और मेरी यात्राओं से नए अनुभव सीख कर आप लोगों को ऐसे ही बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये माता प्रकृति की ही प्रेरणा है जो किसी साधन से, किसी संसाधन से मेरे द्वारा आप तक पहुँच रही है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स की इच्छा है, इस प्रकृति की इच्छा है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, जीवन के इस ज्ञान को समझकर इसका प्रयोग करें। एक बात जान लीजिएगा, तो ऐसा है, ये तो मैंने सिर्फ मंत्र बताया, केवल ये मंत्र है, इसके लिए आपको यंत्र बनना होगा, ठीक है? और जब आप यंत्र बन जाएंगे तो आपके द्वारा मंत्र का प्रयोग करने से ये पूरा तंत्र कंप्लीट होगा, क्रिएट होगा। तो यही है मंत्र, तंत्र और यंत्र। कभी इस पर भी गहरी चर्चा करेंगे कि मंत्र क्या होते हैं, तंत्र क्या होते हैं और यंत्र क्या होते हैं, और इन तीनों को मिलाते हैं तब साधक साधना कर पाता है, साधना पूरी कर पाता है। खैर, बातें बहुत लंबी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, और अभी शायद आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, तब आप इसको देखना, जो लोग का विचार वहाँ तक पहुँच चुका है। क्योंकि हर हीलिंग साइंस सीखने का नहीं, साधना का विषय है। तो आप में से जो लोग भी किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि आपने ये साधना पूरी की या वो हीलिंग साइंस में आपने उसे पूरा किया। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।